नमस्कार जोहार आदाब, क्लीन न्यूज संथाल परगना में आपका स्वागत है। गरीब के तन को ठंड से राहत देगा क्लॉथ बैंक। देवघर का तापमान दो दिन पहले अधिक लुढ़क गया था, दांत कटकटाने लगी, रात थी, कंबल काटने के लिए उपायुक्त तो निकले तो सर्कुलर रोड में एक व्यक्ति पर नजर पड़ी। वह एक गमछा से अपने तन को किसी तरह ढकने की प्रयास कर रहा था। ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा, उसे कंबल ओढ़ाया, लेकिन उनका मन विचलित हो उठा। तभी उनके मन में विचार आया कि कुछ करना चाहिए। इसके बाद क्लॉथ बैंक की परिकल्पना की, बैंक की स्थापना किया गया। क्रिसमस के मौके पर ऐलान किया गया कि क्लॉथ बैंक से हर दिन शहर के जरूरतमंद की आवश्यकता पूरी की जाएगी, उसके तन को गर्म कपड़े से ढकने की कोशिश की जाएगी। खबर गोड्डा से, मृतक के आश्रितों को विधायक द्वारा श्रम विभाग के माध्यम से 1 लाख दिलाने का प्रयास। बीते दिन पोड़ियाहाट के बांझी पंचायत अंतर्गत संथाली टोला के एक आदिवासी मजदूर 19 वर्षीय मनोज मुर्मू, पिता चांद मुर्मू की हत्या केरल में कर दी गई थी। पोड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव के प्रयास से सब को हवाई मार्ग से केरल से गोड्डा लाकर परिजनों को सौंपा गया था। आज सुबह विधायक प्रदीप यादव व उनके प्रतिनिधि मंडल गांव पहुंचकर परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। परिजनों के एक पैकेट अनाज व अंतिम संस्कार के लिए तत्काल सहायता राशि भी दिया। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि मृतक मजदूर के आश्रितों को तत्काल राहत के तौर पर 1 लाख रुपया सहायता राशि श्रम विभाग से 10 दिनों के अंदर दिलाने का प्रयास करेंगे। साथ ही मृतक की मां को वृद्धा पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। पप्पू सरदार हत्याकांड के आरोपित शब्बीर के घर की कुर्की। पप्पू सरदार हत्याकांड के नामजद आरोपित हिरना मोहल्ला निवासी शब्बीर अंसारी के घर की शुक्रवार को कुर्की जब्त की गई। नगर थाना प्रभारी डीएन आजाद व कुंडा थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उसके घर के सामने को जब्त कर लिया। इस दौरान आसपास के लोगों को भी इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान शब्बीर के घर के लोग भी मौजूद थे। जानकारी हो कि शब्बीर के यहाँ पहले वारंट का तामिला किया गया और इश्तेहार चिपकाया गया था। इसके बाद न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ कुर्की जब्त का आदेश जारी किया गया था। अब खबर गोड्डा से, डी डिवीजन ट्रॉफी पर रनिंग क्रिकेट क्लब का कब्जा। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में खेले गए बी डिवीजन लीग की फाइनल मैच में शुक्रवार को रनिंग क्रिकेट क्लब ने एक तरफ मैच में धमाका क्रिकेट क्लब को 57 रन से पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। विजेता टीम को पोड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव ने ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया, जबकि उप विजेता टीम को महागामा SDO जितेंद्र कुमार देव ने ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए रनिंग क्रिकेट क्लब ने सभी क्रिकेट खोकर 188 रनों का स्कोर खड़ा किया। इसमें प्रभु के 41 रनों का योगदान दिया। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी धमाका क्रिकेट क्लब की टीम 133 रन पर आउट हो गई। 17 धान खरीद केंद्रों के कार्यों की होगी समीक्षा। गोड्डा जिले के 17 केंद्र में धान क्रय में प्रगति को लेकर जिला प्रशासन समीक्षा करेगी। मार्च 2021 तक लक्ष्य हासिल करने तक इन केंद्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीद की जाएगी। गोड्डा जिले के लिए लक्ष्य 25,000 क्विंटल धान खरीद का है। किसानों को प्रति क्विंटल 2,050 रुपए 2 किस्त में उनके खाते में दिए जा रहे हैं। धान अधिप्राप्ति को लेकर DC भोर सिंह यादव ने शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में अधिकारियों के साथ केंद्रवार समीक्षा की। उपायुक्त ने कहा कि खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में धान अधिप्राप्ति को लेकर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस पब्लिक समन्वय से नियंत्रित होगा अपराध। नगर थाना परिसर में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आनंद मोहन सिंह ने अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना के कनीय अवर निरीक्षकों के साथ बैठक की। इसमें नई व पुरानी बैच के पुलिस अवर निरीक्षकों ने शिरकत की। बैठक के दौरान SDPO आनंद मोहन सिंह ने नए पुलिस अवर निरीक्षकों को कई टिप्स दिए। कहा कि सभी परिस्थितियों में पुलिस को अपनी सेवा देनी होती है, लिहाजा पुलिस और पब्लिक के साथ बेहतर समन्वय करना चाहिए, इससे अपराध नियंत्रण रहता है। खबर अब दुमका से, PM के भाषण में किसानों को मिला आश्वासन। कृषि विज्ञान केंद्र दुमका के सभागार में शुक्रवार को प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि कार्यक्रम के दौरान करीब 1 घंटे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को किसानों ने पूरी तन्मयता से सुना। PM मोदी द्वारा जब ऑनलाइन 9 करोड़ किसानों के खाते में करीब 1800 करोड़ रुपए की सीधे उनके खाते में भेजने के लिए जब बटन दबाया तो उसके सामने बैठे किसानों ने ताली बजाकर इसका स्वागत किया। PM मोदी के द्वारा दिए गए किसान कानून से जुड़ी बातों को भी किसानों ने पूरी गंभीरता से सुना।
6 माह के मासूम की मौत पर परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बाल गृह में एक 6 माह के मासूम की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मासूम दिव्यांग था और उसे साहिबगंज से दुमका 3 महीना पहले लाया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों को आरोप है कि विभाग के पदाधिकारी इस मामले को दबाने में जुट गए हैं। दुमका के कुंडहित में 4 वर्षों से शुरू हो जाएगी रेल सेवा। दुमका सांसद सुनील सोरेन शुक्रवार को कुंडहित पहुंचकर बागडेहरी मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी का किसानों के नाम का संबोधन प्रोजेक्ट के माध्यम से ग्रामीणों को दिखाया। खबर पाकुड़ से, सुशासन दिवस के रूप में मनी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुशासन दिवस के रूप में मनाई। शहर के अटल चौक व खदान पहाड़ स्थित सामुदायिक भवन में वाजपेयी की तस्वीर पर जिला अध्यक्ष बलराम दुबे, पूर्व विधायक बेनी प्रसाद गुप्ता, विवेकानंद तिवारी, दुर्गा मारांडी, दिलीप सिंह, डोली पांडे, साधना ओझा, पंकज कुमार शाह, असीम मंडल, अजीत रविदास सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। प्रभु यीशु ने दिया करुणा और प्रेम का संदेश। जिला मुख्यालय सहित प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गिरजाघरों में शुक्रवार को क्रिसमस धूमधाम से मनाया गया। शहर के कालिकापुर स्थित बंगला व आदिवासी मेथोडिस्ट चर्च तथा धनुष पूजा मेथोडिस्ट संग्रामपुर सोनाजोड़ी चर्च सहित अन्य गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा की गई। जिदाथो मेथोडिस्ट चर्च में फादर पास्टर स्टीफन सोरेन, पास्टर शर्मिला सोरेन तथा धनुष पूजा चर्च में पास्टर एमानुएल चित्रकार ने लोगों को विशेष प्रार्थना करवाई। अंतर राज्य चेक पोस्ट पर वाहनों से हो रही है अवैध वसूली। झारखंड बंगाल सीमा पर स्थित सोनारपाड़ा अंतर्राज्य चेक पोस्ट पर वाहन चालकों से अवैध वसूली हो रही है। वरीय पुलिस पदाधिकारियों को इसकी जानकारी रहने के बाद भी चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि चेक पोस्ट होकर प्रतिदिन अवैध कोयला, मवेशी, सब्जी, ईंट पत्थर व टाली लदा वाहन गुजरती है। चेक नाका में तैनात पुलिस कर्मी इन वाहनों के चालकों से 500 से 2000 तक की वसूली कर रहे हैं। खबर जामताड़ा से, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जामताड़ा के 10 खिलाड़ी शामिल। झारखंड राज्य टीम गठन और चयन ट्रायल स्पर्धा में जिला योग एसोसिएशन के 10 चयनित खिलाड़ी शामिल होंगे। झारखंड योग संघ ने राज्य टीम गठन को लेकर चयन ट्रायल स्पर्धा में रांची में आज गुरु नानक स्कूल रांची के सभागार में आयोजित की जाएगी। मानव के कल्याण और प्रेम के लिए धरती पर अवतरित हुए प्रभु यीशु। ईसाई धर्मावलंबी के पर्व क्रिसमस को लेकर शुक्रवार को जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के चर्च में चहल पहल दिखी। गिरजाघरों को आकर्षित ढंग से सजाया गया था। बेबा मिशन चर्च व बुधुडी मिशन चर्च की रौनक देखते ही बन रही थी। इसी तरह का नजारा मिहिजाम व कुंडित में ही था। जयंती पर पोखरण व लाहौर बस यात्रा की दिलाई याद। जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। जिला उपाध्यक्ष मितेश शाह ने अटल जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ की संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1952 में पहली बार उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था, परंतु सफलता नहीं मिली, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे। प्रधानमंत्री रहते वाजपेयी ने पोखरण और लाहौर बस यात्रा जैसे कदम से दुनिया को भारत की मजबूती का संदेश दिए थे। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगी एएस कॉलेज की प्रोफेसर व छात्रा। 26 जनवरी को नई दिल्ली के राजपथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए चयनित झारखंड और बिहार राज्य के स्वयंसेवकों की दल नायिका के रूप में एएस महाविद्यालय की प्राध्यापिका प्रोफेसर भारती प्रसाद का चयन किया गया है। वहीं परेड के लिए छात्रा पल्लवी भारती का भी चयन किया गया है। आगरा में हुए गणतंत्र दिवस परेड में शामिल झारखंड के 30 स्वयंसेवकों को चयन के लिए बुलाया गया था। इसमें से 6 स्वयंसेवकों में से एक देवघर की पल्लवी भी शामिल रही है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।